हॉस्पिटल चले जाते हैं टंग के, है ना। बिल्कुल, देखते हैं ठीक हो जाएंगे। यार ये काम क्यों नहीं कर रहा, इतना हैंड मूव करेंगे तब तो हो गया। ठीक है, हाँ। तो जो बच्चे नए आए हैं वो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें इसका। इस चैप्टर में हमने एपिथीलियल पार्ट बच्चे कर लिया है, ठीक है, एपिथीलियल पार्ट कर लिया है। कुछ नए बच्चे हैं ना इसमें जिनको नहीं पता है बिल्कुल इस चैप्टर का, तो एपिथीलियल पार्ट कर लिया है। ये चैप्टर आपके 12th से डिलीटेड है। किससे डिलीटेड है? 12th से डिलीटेड है ये चैप्टर, ठीक है। इसका सिर्फ कौन सा पार्ट 12th में आता है बच्चे? सिर्फ फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग सिर्फ फ्रॉग आता है। थोड़ा सा मेरा हैंडराइटिंग भी आज वेरी कर सकता है, ठीक है, तो फ्रॉग वाला पार्ट सिर्फ आता है। तो फ्रॉग अगर आ रहा है बच्चे, इसका मतलब कि फ्रॉग काफी, मतलब 5 मार्क्स में आ सकता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग आ रहा है। तो ठीक है, तो फ्रॉग पे आपको बिल्कुल ध्यान देना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, बट नीट में तो सब आएगा ना, नीट में तो ये चैप्टर आएगा। और मान लो ये चैप्टर एनटीए ने हटा भी दिया, तो आपको बाकी चैप्टर्स में हर जगह पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो ये चैप्टर आपको पढ़ना ही है, ठीक है। कॉकरोच से काफी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इस चैप्टर से पूरा का पूरा कॉकरोच से ही क्वेश्चन आ जाता है। कितने क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से? 2 क्वेश्चन आते हैं नीट में। कितने क्वेश्चन? दो 2 क्वेश्चन आते हैं नीट क्वेश्चंस में, मतलब कि 8 मार्क्स। एंड 8 मार्क्स बच्चे आपको पता होना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंस है नीट में। 1 नंबर से आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता ना, एक एक मार्क्स के चलते बच्चे छट जाते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। हाँ पूछिए। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। पहले हमने समझा कि टिश्यू होता क्या है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल जो कि एक जैसे हो सकते हैं या अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और उनका ओरिजिन सेम होना चाहिए। ऑरिजिन इससे क्वेश्चन आता है बच्चे, ये बहुत छोटी बात आपको लगती है कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या याद रखना, लेकिन टिश्यू के बारे में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट टिश्यू। तो क्या हो सकता है? ये ग्रुप ऑफ सेल हो सकता है जो कि अलग अलग हो सकते हैं, वो सेल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका फंक्शन एक होना चाहिए। जैसे जैसे भाई आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में अलग अलग तरह के सेल होते हैं ना, आरबीसी अलग टाइप का सेल है, डब्ल्यूबीसी अलग टाइप का सेल है कि नहीं। फिर आपका ये ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह अलग टाइप का सेल है, बहुत अलग अच्छा अलग तरह के सेल मिलते हैं, लेकिन वो काम एक ही करते हैं। काम क्या कर रहे हैं? सबको बाइंड करने का, जोड़ने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के आपको सेल मिल सकते हैं, लेकिन उनका सबका फंक्शन एक ही होगा। जैसे अलग अलग तरह के टीचर होते हैं, लेकिन सबका फंक्शन क्या होता है? पढ़ाना ही होता है। ओके अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, लेकिन उनका फंक्शन क्या होता है? पढ़ना ही होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर? और हम जानते हैं सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गेन, ऑर्गेन से बनता है ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ लिया था। ये नोट्स बच्चे आपको बहुत हेल्प करेगा कि आपको सेल के बारे में क्या जानना है, टिश्यू के बारे में क्या जानना है, और ऑर्गेन के बारे में क्या जानना है। ऑर्गेन क्या होते हैं बच्चे? ऑर्गेन विथ ऑर्गेन क्या होते हैं? जो टिश्यू से मिलकर बने हार्ट होते हैं, उनसे हार्ट मिलकर वो बने हार्ट होते हैं। यस, एक ऑर्गन अलग अलग टिश्यू से मिलकर बनेगा या एक ही तरह के टिश्यू से मिलकर बनेगा, बताइए। अलग दोनों, या दोनों तो सेम काइंड या फिर डिसिमिलर, है ना, अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलकर के बना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपका स्टमक है, स्टमक इज एन ऑर्गन,
लीवर इज एन ऑर्गन, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपका जो किडनी है, किडनी में मैंने दिखाया अलग अलग तरह का टिश्यू मिलता है, पीसीटी में अलग तरह का टिश्यू, डीसीटी में अलग तरह का टिश्यू, है ना, लुपा फैमिली में अलग तरह का टिश्यू, तो अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलकर के भी ऑर्गन आपका बन सकता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना होता है, लेकिन किन ऑर्गन से मिलकर बनेगा, जिनका एक ही फंक्शन होगा। ऐसा नहीं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने क्या डाल दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में स्टमक डाल सकते हो क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम में किडनी डाल सकते हो, नहीं डाल सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन सिस्टम वही बनाएंगे जिनका जो ऑर्गन जिनका सेम फंक्शन हो, ठीक है, वही ऑर्गन बनाएंगे जिनका सेम फंक्शन। ओके, नाउ हमने फिर क्या पढ़ा था कि एनिमल टिश्यू में अलग चार तरह के टिश्यू हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से, एपिथीलियल टिश्यू, एपिथीलियल टिश्यू जो ऊपर प्रेजेंट हो, जो कवर करते हैं किसको, पूरी बॉडी को कवर करते हैं, एक ऑर्गन को कवर करते हैं, एक हमारा जो मान लो कैविटी है उसको कवर करते हैं, ठीक है। ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल के ऊपर कवर करेंगे, अंदर कवर करेंगे, स्टमक है तो स्टमक के ऊपर कवर करेंगे, अंदर कवर करेंगे, ठीक है, तो ऊपर भी कवर करते हैं, अंदर भी कवर करते हैं, ये पूरे के पूरे एपिथेलियल टिश्यू क्या बोलते हैं, हम तो सिर्फ कवर लगाएंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, सिर्फ कवर लगाएंगे। और क्या करते हैं, कुछ एपिथेलियल टिश्यू अपना डिजाइन चेंज कर लेते हैं, जैसे कुछ एपिथेलियल टिश्यू ऐसे हैं वो अचानक से यूं बन जाते हैं, है ना, अचानक से मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, और वो क्या बना देते हैं बच्चे, एक ग्लैंड बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ग्लैंड बना देते हैं, और यहाँ से ग्लैंड से क्या सिक्रेट होता है, चीजें सिक्रेट होती है ना, अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो क्या जूस सिक्रेट हो सकता है, सलाइवा सिक्रेट हो सकता है, आपका टीयर सिक्रेट हो सकता है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड है तो क्या सिक्रेट होगा, हॉर्मोन, ठीक हॉर्मोन्स है। तो हॉर्मोन्स यही एपिथीलियल टिश्यू ही क्या बनाते हैं बच्चे, ग्लैंडुलर टिश्यू बनाते हैं। नाउ फिर हमने क्या पढ़ा था, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेंगे एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट करेंगे, जैसे अगर आप यहाँ कट करो, आप पैर में कट करो, सिर के ऊपर कट करो, या बिल्कुल टोज में कट करो, हर जगह आपको वही ब्लड मिलेगा, है ना, हर जगह वही ब्लड मिलेगा, वो कनेक्ट कर रहा है आपके टोज से लेकर के ऊपर वाले पार्ट तक, बिल्कुल कनेक्ट कर रहा है, और ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को। फिर आपका जैसे कनेक्टिव टिश्यू में लिगामेंट आ गया, लिगामेंट है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं चीजों को, ठीक है, ओके, टेंडन है वो जोड़ रहे हैं, ये कनेक्शन करने का काम करते हैं, और ये हर जगह कहाँ किस लेयर से बनते हैं, मीसोडर्म से। एपिथेलियल टिश्यू तीनों लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म में तो पूछिए, मैं बता दूंगी, ठीक है। जर्म लेयर होती है ना हमारी, एक्टो, मीसो एंड एंडो। एपिथीलियल हर जगह प्रेजेंट होता है भाई, स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, बाहर प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है, तो ये एपिथीलियल टिश्यू हर तरह से बन सकता है। कनेक्टिव टिश्यू मीसोडर्मली ओरिजिन है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एपिथीलियल टिश्यू सबसे ज्यादा पाया जाता है, अभी लग रहा होगा ना, लेकिन एपिथीलियल टिश्यू सबसे ज्यादा नहीं पाया जाता, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू, द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इज कनेक्टिव टिश्यू। बच्चे आज के लिए मुझे थोड़ा सा सॉरी है कि मैं आज थोड़ा ना लिख कम पाऊंगी, समझ रहे हो ना, आज पेन की वजह से कोई लिख कम नहीं, पाऊंगी मुझे, मतलब हाँ ओके लिखना नहीं हो पा रहा है, मैं थोड़ा बोलूंगी ज्यादा। ओके, सो कनेक्टिव टिश्यू मीसोडर्मल ओरिजिन मैम, होता है और सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मोस्ट एबुडेंट, द मोस्ट एबुडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कि हर जगह मिलेगा आपको, टोज में भी मिलेगा, ऊपर भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा ना ये, ठीक है, ओके। फिर मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू भाई जो आपके मसल्स बनाते हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तीन तरह के मसल मस्कुलर टिश्यू होंगे, स्ट्रिएटेड, स्मूथ एंड कार्डियक। आपने थोड़ा पढ़ा भी होगा इसके बारे में छोटे क्लासेस में, 10th में पढ़ा होगा। फिर है आपका नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स वगैरह आते हैं, ओके। नर्वस टिश्यू इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एंड दो जो बीच वाले हैं दोनों क्या है, मीसोडर्मल है। ओरिजिन से क्वेश्चन आता है बच्चे कि किसका क्या ओरिजिन है, ओके,
ये मैंने आपको यहाँ पे ओरिजिन अलग से लिख दिया था, याद है यस मैम, सबको। हमने फिर यस कहानी मैम, पढ़ी थी किसकी, किसकी, मिस्टर कटप्पा की, है ना। मिस्टर कटप्पा की बॉडी यस में मैम, हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे एपिथीलियल टिश्यू पाया जा रहा है। हमने देखा कि इसकी बॉडी के ऊपर वाली जो लेयर है वहां पाया जा रहा है। अगर इसका स्टमक निकाल के देखा तो स्टमक की आउटर लाइनिंग में, स्टमक की इनर लाइनिंग में, लीवर के आउटर लाइनिंग में, लीवर के अंदर लाइनिंग में। अगर आउटर लाइनिंग में है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, पराइटल, पराइटल बोलते हैं ना, ठीक है, पराइटल एपिथीलियम। अंदर अगर प्रेजेंट है, अंदर साइड है, तो क्या बोलते हैं, विसरल एपिथीलियम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अंदर की पूरे के बॉडी के अंदर जब एपिथीलियल है तो उसको हम क्या टर्म यूज देते हैं, एपिथीलियम ना बोल के पेरिटोनियम, ठीक है। और ऊपर वाली जो स्किन है उसको एपिथीलियल है, उसको क्या बोलते हैं, स्किन। जो डायरेक्ट सराउंडिंग से कांटेक्ट में एपिथीलियम है उसको क्या बोल रहे हैं, स्किन। और जो एपिथीलियम अंदर है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। समझ में आया वंदना, और कौन है जो भी नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा जल्दी बता रही हूँ क्योंकि, बोला ठीक है, ब्लड वेसल के लिए मैंने बताया था बच्चे कि ब्लड वेसल के अंदर की तरफ जो एपिथीलियम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, ये मैंने बताया था, ठीक है। इसके ब्लड वेसल को जब हमने निकाला तो हमने देखा यहाँ पे भी एपिथीलियम है, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन अंदर की तरफ जो इसका एपिथीलियम होता है उसको क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम, मैम, ठीक है। इसको विजुअल एपिथीलियम क्यों नहीं बोला मैम? ये अंदर है फिर भी। नहीं, इसका नाम ही है, अब क्यों नाम बस रख दिया है बच्चे, ठीक है, इसका नाम बस रख दिया है। और विसरल हम किसके लिए यूज करते हैं, जितने हमारे ऑर्गन होते हैं ना उसको हम विसरल बोलते हैं, जितना भी स्टमक है, लीवर है, किडनी, इन सबको हम क्या बोलते हैं, विसरल बोलते हैं, ठीक है, विसरल पार्ट। और और मैम इसको पेरिटोनियम, पेरिटोनियम किसको कहते हैं? उसी का आउटर, जैसे पेरिटोनियम आपका दो जगह प्रेजेंट होगा बच्चे, एक तो पूरा ये चैम्बर है ना, एक थोरासिक चैम्बर हो गया, ये आपका एब्डोमिनल चैम्बर। जब आप इसको, इसकी बॉडी को खोलोगे, जब आप इसकी बॉडी को खोलोगे तो ये दोनों एक एक चैम्बर में होगा, ठीक है, एक चैम्बर में होगा। हमने पढ़ा है कि बॉडी वॉल आपकी अलग होती है, बॉडी वॉल अलग होती है, और फिर एलिमेंट्री केनाल अलग होता है, बीच में क्या होता है, सीलम होता है ना, सीलम सीलम होता है, जो कैविटी होती है, कैविटी इज नोन एज सीलम, और उसमें सीलमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर सीलम में सीलमिक फ्लूइड नहीं होगा, सीलम पूरा खाली होगा, तो क्या होगा बच्चे, ज्यादा उछल कूद करोगे तो एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन में ऐसे यूं 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 यूं, है ना। और जर्क किसी ने मारा तो पता चला एक ऑर्गन बिल्कुल ऊपर चला गया, होगा ना। तो जगह पे रखने के लिए ये सीलम है और सीलमिक फ्लूइड है। तो ये जो पार्ट होता है बच्चे, ये यहाँ पे कवर रहता है, इस तरह से एक एक लेयर बना हुआ होता है, ठीक है, एक लेयर बना होता है किसका, एपिथीलियम का। तो इसके बाहर की लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, इस बाहर की लेयर को पेरिटोनियम, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, पेरिटोनियम। और अंदर की लेयर को, ठीक है, पेराइटल पेरिटोनियम बोल रहे हैं बाहर की लेयर को, और इसकी अंदर की लेयर को विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम जो विसरल ऑर्गन के तरफ है, जो स्टमक के तरफ है, जो लीवर के तरफ है, ठीक है, एक कवर है और उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, लीवर, किडनी, स्टमक, सब प्रेजेंट है। तो अंदर के तरफ वाले लेयर को हम क्या बोल रहे हैं, विसरल, बाहर के तरफ को पराइटल, ठीक है, ओके। और कुछ डाउट है तो पूछ लो। मैम, नहीं, बॉडी वॉल और सीलम वाला एक बार दोबारा समझा दो। अच्छा ठीक है, देखो क्या होता है सीलम, क्या होता है बच्चे, ये बॉडी वॉल है आपकी, ठीक है, बॉडी वॉल है, बाहर की बॉडी वॉल, ठीक। और यहाँ पे क्या जा रहा है, एलिमेंट्री केनाल जा रहा है, पूरा जा रहा है एलिमेंट्री केनाल। तो एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल, एलिमेंट्री केनाल और बॉडी वॉल के बीच में कैविटी होती है, ये पूरा खाली है बच्चे, ये पूरा क्या है, इधर इधर पे आपका लंग्स वगैरह है, ये पूरा खाली है कि नहीं, यहाँ पे ये पूरा खाली, ठीक है, ये पूरा आपका खाली है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीलम बोलते हैं। जब हमने इसको सीलम में, आपने डायग्राम देखा होगा, जब आप कट करते हो
तो यहाँ पे आपको क्या दिखाता है, ये क्या पार्ट दिखाता है आपका एलिमेंट्री कैनाल, और ये वाला बॉडी वॉल, और बीच में आपको खाली दिखा रहा है। तो आप किसी की बॉडी को ऐसे कट करोगे ना, इसकी बॉडी को अगर मैं यूं कट कर दूं, तो ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया बच्चे, ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। और इधर इधर ये दोनों क्या है, ये पूरा खाली है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सीलम बोल रहे हैं। और इसमें क्या प्रेजेंट है बच्चे, सिलमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, सिलमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। ओके मैम, जो सीलम होती है वो ऑर्गन्स के बीच बीच में प्रेजेंट होती है? ना ना, ऑर्गन के बीच में नहीं, यहाँ पे ऑर्गन, हाँ ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर नहीं, ऑर्गन के यहाँ पे। ये आपका सीधे सीधे बच्चे, अगर मेरी बॉडी को यूं कट किया जाए और ऐसे झांका जाए, तो बीच में एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, ठीक है, बीच में पूरा एलिमेंट्री कैनाल जा रहा है, इधर बॉडी वॉल है। तो बीच में इस तरफ ये, और ये क्या है आपका, ये पूरा पार्ट क्या है, सीलम है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सिलमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। सिलमिक फ्लूइड की वजह से ही कोई आपको जैसे पंच मारता है ना, पंच मारता है तो आपका पेट नहीं फट जाता है, ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, यहाँ पे ये शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। आपको ऊपर ऊपर बस चोट लगती है, अंदर नहीं बिल्कुल एकदम, अगर ये नहीं प्रेजेंट होता तो बिल्कुल अंदरूनी चोट लग जाती है आपको कस के, है ना, हो सकता है पेट फट जाता। तो इतना इतना जो सिलमिक फ्लूइड प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके मैम, ब्रेन में भी होता है ना ये शॉक? हाँ, हाँ ब्रेन में भी होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, CSF प्रेजेंट होता है ब्रेन में। ओके, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके ठीक है, ओके थैंक यू मैम। मैम मेरा नेटवर्क ग्लिच हो गया था, तो आप बता सकते हो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में आपने क्या बताया? कुछ नहीं बताया मैंने, मैंने बोला ब्रेन में भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। ब्रेन में आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा ना, ये स्पाइनल कॉर्ड, उसमें पूरा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो भी एक तरह से किसका काम करता है बच्चे, वो भी काम करता है एब्जॉर्बर का, शॉक एब्जॉर्बर का, ठीक है। चल, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू में मैंने क्या बताया था, एपिथेलियल, बॉडी के मतलब ब्रेन के अलावा नर्वस सिस्टम के अलावा कहाँ पे कौन सा ऑब्जर्व मतलब ऑब्जर्व करने में काम करता है? ऑब्जर्व करने में क्या काम करता है? नो मैम, आपका नई नेट एब्जॉर्ब, यस मैम, शॉक एब्जॉर्बर, सॉरी मेरी प्रोनंसिएशन, शॉक एब्जॉर्बर बच्चे, वही होता है आपका, CSF ही होता है। नो मैम, बॉडी में जैसे बॉडी में सिलमिक फ्लूइड, बॉडी में सिलमिक फ्लूइड, ओके ठीक है, सिलमिक फ्लूइड होता है। ओके मैम, चलो अब है आपका एपिथीलियम, फिर मैंने क्या बताया था बच्चे, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से थे बच्चे? एपिथीलियम टिश्यू सबसे पहले हम पढ़ रहे थे, एपिथीलियम टिश्यू जो कि बाहर पाया जाता है, ठीक है, बाहर पाया जाता है, सिर्फ स्किन में ऊपर नहीं, अंदर के जो ऑर्गन है उसके भी आउटर कवरिंग में भी पाया जाता है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये सिंपल हो सकता है, मतलब वन लेयर का हो सकता है, और मैनी लेयर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह का रिक्वायरमेंट है, ये सब हमने पढ़ लिया था बच्चे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल एपिथीलियम, वन मिनट, आप लोगों को कुछ डिस्टरबेंस नॉइज आ रहा है क्या? नो मैम, नहीं आ रही है, ओके ठीक है। सिंपल एपिथीलियम बच्चे कितने तरह का हमने पढ़ा था, सिंपल क्यूबॉइडल, ओके, सिंपल कॉलमनार, सिंपल स्क्वामस। अब मुझे कोई ये बताएगा कि डेरी मिल्क, मैंने एक एग्जांपल बताया था ना कि डेरी मिल्क 5 रुपए वाली, किसका एग्जांपल? सिंपल क्यूबॉइडल, स्क्वामस, ठीक है, स्क्वामस का एग्जांपल है बच्चे। और सिंपल
जो आपका क्यूबॉइडल है, किस डेरिमल का एग्जांपल है? बबली। हम क्यूबॉइडल। हाँ, क्यूबॉइडल वाला बताओ, सिल्क है ना, सिल्क। और कॉलमनार, कॉलमनार हो गया आपका बबली, बहुत ज्यादा ऊंचा होता है ना, ठीक है। तो ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन याद रखने का तरीका है ये। सिंपल स्क्वामस में बच्चे, सिंपल स्क्वामस में बिल्कुल चपटी चपटी सी लेयर होती है ना, यूं देखो बहुत चपटी सी लेयर है ना, सिंपल स्क्वामस। ओके, ये सिंपल स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है, बहुत सारे लेयर भी हो सकते हैं, जैसे आपके स्किन, स्किन में स्क्वामस ही प्रेजेंट होता है, उसके बहुत सारे लेयर होते हैं, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। ओके, अब देखो मैं आपको ट्रांजिशनल बताना भूल गई थी, ट्रांजिशनल बताना भूल गई थी। ट्रांजिशनल कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? ट्रांजिशनल मतलब कि जो अपने आप को चेंज कर सके, ट्रांजिशनल मतलब जो अपने आप को चेंज कर सके। ट्रांजिशनल एपिथीलियम वहां प्रेजेंट होगा जहां पे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जरूरत हो, जैसे आपके यूट्रस में एनसीआरटी। यस, एनसीआरटी आपके यूट्रस के बारे में बोलती है। यूट्रस क्या होता है, जैसे ही यूट्रस में यूरिन फिल हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, yes, है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो ये बिल्कुल दब के छोटे हो जाएंगे, ठीक है, इनका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, अगर मान लो ऐसे ऐसे हैं तो जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ऐसे दब जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांजिशनल, जो अपने आप को ट्रांजिट कर सके, जो अपने आप को चेंज कर सके, तो जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दब जाएंगे और फिर जब रिलैक्स होंगे तो ऐसे ही हो जाएंगे वापस से, ठीक है। तो ये नहीं, ईसोफेगस में नहीं, ठीक है। तो ये आपका यूट्रस में आपकी एनसीआरटी बोलती है, तो आपको यूट्रस एग्जांपल याद रखना है ट्रांजिशनल। एक और था बच्चे किरेटिनाइज्ड, ठीक है, किरेटिनाइज्ड एपिथीलियम। किरेटिनाइज्ड एपिथीलियम कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे? जहां पे हेयर है आपकी पूरी स्किन में, देखो जहां जहां पे, क्या हर जगह, हर जगह हेयर है, पूरे में हर जगह हेयर है स्किन? नो मैम, कहीं कहीं, ठीक है, कहीं कहीं पे। तो जहां जहां हेयर है इसका मतलब वो लेयर क्या है, किरेटिनाइज्ड है। वो लेयर क्या है बच्चे? किरेटिनाइज्ड है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, किरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, ठीक है। कौन सा एपिथीलियम बोलेंगे? किरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, ठीक है। इतनी हालत खराब हो गई है कि मैं बिल्कुल नहीं लिख पा रही, ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग भी खराब दिख रही है इसमें। किरेटिनाइज्ड एपिथीलियम, इसका मतलब इसमें क्या है बच्चे, किरेटिन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, किरेटिन होगा इस लेयर में। किरेटिन क्या होता है, एक तरह का प्रोटीन होता है, किरेटिन इज वन टाइप ऑफ प्रोटीन जो कि आपके हेयर में पाया जाता है, ठीक है। तो हेयर में और नेल्स में पाया जाता है, तो जहां जहां पे हेयर प्रेजेंट है, जहां जहां पे नेल प्रेजेंट है, वहां पे किस तरह का एपिथीलियम है, किरेटिनाइज्ड, ठीक है, एपिथीलियम है। तो आपके स्किन में किरेटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथीलियम होगा, ठीक है। बाकी आपको सब समझ में आ गया था, ठीक है, बाकी सब समझ में आ गया था। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे लेयर, बहुत सारे लेयर। ओके, अब देखो आपका जो स्किन होता है बच्चे, ये इस तरह का स्किन है। स्किन में ऊपर की लेयर क्या कहलाती है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, और उसके अंदर की एपिडर्मिस इतनी इतनी मोटी होगी। एपिडर्मिस कितनी मोटी होती है, 20 से 30 सेल थिक, ठीक है, 20 से 30 सेल थिक, मतलब यूं अगर इस तरह से अगर एक सेल है तो ऐसे 20 से 30 सेल अगर एक दूसरे के ऊपर है तो इतनी मोटी होती है आपकी एपिडर्मिस, ठीक है। उसके नीचे, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है, डर्मिस लेयर, ठीक है, उसके नीचे क्या प्रेजेंट होता है बच्चे, डर्मिस लेयर होता है। और यहीं पे आपको बहुत अलग अलग तरह के ना फैगोसाइट्स देखने को मिलेंगे, ओके, मैक्रोफेजेस देखने को मिलेंगे, ये सब क्या होते हैं हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो आपका हेयर होता है ना वो यहाँ तक होता है, ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ऊपर ऊपर नहीं प्रेजेंट रहता, बिल्कुल अंदर तक होता है। तभी जो लोग वैक्स वगैरह करते हैं ना, चिल्लाते हैं जोर से,
है ना, मम्मी पापा याद आ जाती है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल डर्मिस लेयर तक अंदर तक होता है, और इधर ही आपको क्या मिलेंगे, फैट सेल्स भी मिलेंगे, एडिपोज टिश्यूज भी मिलेंगे, ठीक है, फैट सेल्स भी मिलेंगे। मैम एपिडर्मिस एनिमल्स में भी होते हैं? सब में होते हैं ना, हम लोग एनिमल्स ही तो हैं, वी आर एनिमल्स, ठीक है। बस ये है कि थोड़े बोलने वाले एनिमल्स हैं, सभ्य एनिमल्स हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाए। कोई भी नया स्टूडेंट जिसको थोड़ा भी डाउट है तो बच्चे आई एम रेडी टू टेल यू, आई एम रेडी टू रिवाइज, बोलिए। कोई बच्चा है जिसको रिविजन थोड़ा चाहिए, कोई है? एपिडर्मिस लेयर फिर से बता दो। एपिडर्मिस लेयर, देखो एपिडर्मिस लेयर बच्चे क्या है, क्या आपका जो स्किन है ना, स्किन को जब आप कट करोगे, स्किन, सिर्फ स्किन की बात कर रहे हैं, स्किन को जब आप कट करेंगे तो ऊपर का लेयर जिसको आप टच कर पाते हैं, ठीक है, जिसको आप टच कर पाते हैं, दैट इज द एपिडर्मिस लेयर। और ये एपिडर्मिस लेयर आपको देखने में लगता होगा कि ऊपर बस, लेकिन याद है ऐसा होता होगा कि जब मान लो कभी कट लगा, या फिर कभी छिल गया, या मान लो कभी फोड़े आ गए, तो फोड़े आते होंगे तो आप देखते होंगे एक लेयर उठा लेकिन अंदर लेयर प्रेजेंट है। स्किन बच्चे आपका मल्टीपल लेयर होता है ना, स्ट्रेटिफाइड होता है, मल्टीपल लेयर होता है, बहुत सारे लेयर होते हैं। कितना थिक होता है? 20 से 30 सेल थिक होता है, ठीक है। और उसके नीचे आपका डर्मिस लेयर होता है, ठीक है, ऊपर एपिडर्मिस, फिर डर्मिस लेयर होता है, और नीचे जाएंगे तो इसमें फैट वगैरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। और डर्मिस लेयर में आपको बहुत सारे मैक्रोफेजेस मिलेंगे। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, आपकी स्किन में कुछ गया, मान लो स्किन के थ्रू कोई बैक्टीरिया चला गया, तो उनको किल करना है ना, उनको मारना है, ठीक है। और आपके एपिथीलियल जो होते हैं, एपिथीलियल टिश्यू जो होते हैं बच्चे, एपिथीलियल टिश्यू में कभी भी वैस्कुलर नहीं होता, वो क्या होता है, ए वैस्कुलर। एपिथीलियल टिश्यू के नीचे, यहाँ पे एपिथीलियल टिश्यू के नीचे आपको क्या मिलेगा, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे एपिथीलियल टिश्यू में बिल्कुल भी आपको वेसल्स नहीं मिलेंगे। ये कैसा होगा, ए वैस्कुलर। वैसल का मतलब समझ रहे हो, आर्टरीज, वेन, ये सब नहीं मिलेंगे। क्यों, आप, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बच्चे क्या करते हैं, सुई लटका लेते हैं हाथ में, लटका लेते हो ना, सेफ्टी पिन लटका लटका के बच्चों को डराते हो कि देखो मैं जादू दिखा रहा हूँ, तो वो आप बिल्कुल आराम से सुई आर पार कर लेते हो, लेकिन कुछ होता नहीं है आपको, है ना, आपको कुछ नहीं होता, बिल्कुल लटका के यहाँ पाम पे घूमते रहते। और ऊपर की लेयर में अगर हल्की सी स्क्रैच आ जाए तो भी आपका, अगर हल्का सा स्क्रैच आता है, मान लो किसी ने ऐसे नोच दिया, भाई बहन लड़ाई करते होगे ना घर में तो पक्का करते हो, एक दूसरे को नोच देते होगे, है ना, नाखून बड़ा बड़ा के, तो यूं जैसे आप स्क्रैच करते होगे तो क्या होता होगा कि उसका क्या ब्लड आ जाता है तुरंत, नहीं आता ना ब्लड, हल्का सा क्या होता है, स्क्रैच होता है ना, हल्का सा स्क्रैच होता है। तो इसका मतलब अगर उसका ब्लड नहीं आया तो वो आपने एपिथीलियल टिश्यू तक ही उसको स्क्रैच किया, लेकिन अगर उसका ब्लड आ गया मतलब आप कहाँ तक पहुंच गए, आपका नाखून कहाँ तक पहुंच गया, उसके कनेक्टिव टिश्यू तक पहुंच गया, ठीक है। तो भाई बहन को इतने जोर से नहीं, मतलब ये करना है ना कि आप बिल्कुल कनेक्टिव तक पहुंच जाओ, हाँ। और कभी कभी स्किन की लेयर निकलती है, तो स्किन की लेयर निकलती है तो क्या खून निकलने लगता है, नहीं ना, फटते हैं ना, आपके लिप्स फटते हैं, ये पूरा फटता है, हाथों की फट जाती है, ठीक है, हाथ फटते हैं, लेकिन थोड़ी ब्लड निकलने लगता है, क्यों नहीं निकलता, क्योंकि ये ए वैस्कुलर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको अच्छे से? यस मैम। और एक और एग्जांपल सुनो, आपके माउथ की, देखो ये तो मैंने ऊपर की बात की, मैंने क्या बोला, एपिथीलियल टिश्यू अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, अंदर भी, अंदर की लेयरिंग, एपिथीलियल टिश्यू इतना ढीट है वो बोलता है मैं ऊपर से तो कवर करूंगा अंदर से भी कवर करूंगा, लेकिन देखो क्या जरूरी नहीं है, अगर आपकी चीक अंदर से कवर नहीं होती तो ब्लड वेसल दिखाई दे रहे होते, दिखते ना आपको अंदर में, मुंह खोलते तो राक्षस लगते आप, मुंह खोलते तो अंदर कैसा लगता, पूरे ब्लड वेसल दिख रहे होते, उसको कवर कर दिया भाई, अच्छा लग रहा है, अंदर से भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, अंदर से भी सुंदर लग रहा है। तो मुंह खोले और आपने क्या किया, गरम समोसा खाया, गरम गरम चाय पी ली,
तो लेयर निकलता है। आपको एग्जांपल बताया था कि मतलब गरम गरम समोसे आए, मम्मी को देखा हाँ और मुंह में डाल दिया, या फिर भाई से छीनने के चक्कर में आप जल्दी से समोसा खा लेते होगे, कि भाई ना खा पाए आप गरम गरम समोसा खा लेते होगे, वो तो बाद में पता चलता होगा कि क्या हालत हुई है, अंदर पूरा जल जाता है ना, लगता है रुजदा ने ज्यादा किया, रुजदा अंकिता इनको इनको याद आ रहा है अपना पल, ठीक है, जो बच्चे हंस रहे हैं ना उनको याद आ रहा है अपना पल, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, अंदर की चीक्स की लेयर निकलती है, चीक्स की लेयर निकलती है ऊपर पैलेट में, पैलेट में तो वो पूरा जल जाता है, पैलेट की लेयर निकलती है, लेकिन आपका खून नहीं निकल जाता, लेयर निकलने से ब्लड नहीं आने लगता है ना, क्यों, क्योंकि वो एवैस्कुलर है। मैम जीभ पे नहीं होता है एपिथेलियम, टंग पे, जीभ पे नहीं होता, यस मैम, इसलिए जब कट जाती है तो जल्दी हल्का भी निकलता है, हल्का भी ये होगा ना, ठीक है, तो आपका, और ये बिल्कुल इसलिए रेड रेड आपको पूरा एकदम दिखेगा ऐसा, लेकिन अंदर अंदर की तरफ, अंदर किसी भी जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर बाहर, किडनी के अंदर बाहर, लीवर के अंदर बाहर, हर जगह आपका क्या प्रेजेंट है बच्चे, हर जगह क्या प्रेजेंट है, ठीक है। ओके मैम, वैसे डिफ्यूजन से मिलता है ना एनर्जी? हाँ, चलो अच्छा बात याद दिलाया, ये कनेक्टिव टिश्यू यहाँ नीचे प्रेजेंट होता है, तो अब आप बोलोगे कि फिर इसको ब्लड कैसे मिलता है, ये जिंदा कैसे रहता है, ठीक है, तो यहाँ डिफ्यूजन के थ्रू बच्चे न्यूट्रिएंट जाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जानते हो ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है, ठीक है, तो डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ इसको नरिशमेंट मिल जाता है, ओके। और यहाँ पे हाँ आपको यहाँ तक पहुंच जाता है, पूरे ऊपर लेयर तक आपको मिल जाता है, ठीक है, सारा न्यूट्रिएंट मिल जाता है, एंड इसको पता है एक तरह से क्या बोलते हैं, योर एपिथीलियम इज मेड अप ऑफ द डेड सेल, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है, मतलब आपका जो स्किन है खासकर वो किससे, बहुत सारे डेड सेल से मिलकर बना, क्यों डेड सेल, एवैस्कुलर है ना, एवैस्कुलर मतलब डेड है, और वो उसको जिंदा कौन रख रहा है, कनेक्टिव टिश्यू उसको जिंदा रखता है, न्यूट्रिएंट देता रहता है और वो जिंदा रहता है, ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, बहुत सारे डेड सेल से मिलके बना है, एंड हर हर दिन आपके कितने ही नए सेल बनते हैं, हर दिन कितने ही नए सेल बनते हैं, इसलिए आप आपने इसमें फेस वॉश में सुना होगा ना, एक्सफोलिएटर, रिमूव द डेड सेल्स, है ना, बहुत yes, सारे नए सेल बनते हैं और बहुत से सेल्स सेल मर जाते हैं, तो जब आप बिस्तर अपना अपना सुबह झाड़ते हो ना, बिस्तर बनाते हो ना, तो बिस्तर बनाते हो तो डस्ट के साथ आपके बहुत सारे सेल्स भी होते हैं बिस्तर पे, ठीक है, बिस्तर में बहुत सारे सेल्स भी होते हैं आपके जो आपको नहीं दिखते, तो और आपकी स्किन पे भी जो डेड सेल्स होते हैं जब आप फेस वॉश करते हो या ऐसे वॉश करते हो तो वो निकल जाते हैं, कभी कभी कुछ डेड सेल बिल्कुल चिपक जाते हैं ड्यू टू पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की वजह से, फिर सेबिसियस ग्लैंड की वजह से, यहाँ पे क्या है बच्चे, सेबिसियस ग्लैंड है, ऑयल भी निकलता है ना, ऑयल निकलता है तो उसकी वजह से चिपक जाते हैं, तो आप बिल्कुल कैसे काले से लगने लगते हो, फिर जैसे ही आप फेस वॉश करते हो है ना, कोई अच्छा सा फेस वॉश स्क्रब वगैरह करते हो एकदम बिल्कुल चमक जाते हो, फिर आपको लगता है ऐसा क्या हुआ भाई, क्या था, क्या है ना, क्या था, डेड सेल चिपके हुए थे, डेड सेल निकल गए, और आपका जो एज है, मैं जानती हूँ कि ये आपके सब्जेक्ट का नहीं है लेकिन थोड़ा जान लो, आपका जो एज है इस समय पे आपको डेली दिन में दो बार तो फेस वॉश करना चाहिए, फेस वॉश नॉट फ्रॉम द केमिकल थिंग्स, मतलब ऐसे चेहरे को धोना चाहिए, चेहरे की हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय पे आपके ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं, ऑयल बहुत सिक्रेट होता है, पॉल्यूशन में भी आप जाते हैं, दौड़ धूप भी बहुत करते हैं, हॉर्मोन्स भी बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एक्ने एंड पिंपल्स देखने को मिलता है ना, यस मैम मेरे हैं पिंपल्स, हाँ तो एक्ने पिंपल्स देखने को मिलता है, सेबेशियस ग्लैंड की वजह से ही होता है ना एक्ने, हाँ हाँ ग्लैंड नहीं, कोई भी चीज ग्लैंड और इसकी वजह से नहीं होता बच्चे, देखो एक तो हार्मोनल चेंजेस है, मेन रीजन इज व्हाट यू ईट एंड आप हाउ यू लिव, ठीक है, आप कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं, कितने अपने आप को साफ सुथरे रखते हैं, मैम साफ सुथरे नहीं रखेंगे, यस मैम, अगर किसी के पिंपल हुए ही नहीं है इस एज में तो फिर ये कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, इसका मतलब कि आप हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं और आपका हार्मोन भी बैलेंस्ड है, ओके मैम, ठीक है,
अगर हार्मोन बैलेंस्ड है, आप चेहरे को साफ सुथरा रख रहे हैं, ठीक है, हमेशा क्लीन कर रहे हैं चेहरे को, तो आपको नहीं होगा पिंपल। ओके मैम, वैसे ये एक अच्छी बात है ना कि पोल्यूशन से हमारे वो बचा लेते हैं डेड सेल्स, पोल्यूशन हमारे बॉडी में जाने से, जब वो कवर कर देते हैं। नहीं, पॉल्यूशन तो ऐसे ही बच्चे बाहर चिपक जाते हैं, आप अगर उनको धो लो तो वो हट जाते हैं, ठीक है, पॉल्यूशन से नहीं बचाते, पॉल्यूशन एक्चुअली उसके साथ स्टिक हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब तो बढ़िया है कि गंदे रहो, डेड सेल रहने दो, वो पॉल्यूशन से बचाएंगे आपको, यूवी रेज से बचाएंगे, नहाओ ही मत, ठीक है। चलो आगे बढ़ने दो भाई, अच्छा टॉपिक मिल गया तुम लोगों को, पिंपल एंड ये। एपिथेलियम टिश्यू में ही एपिडर्मिस होता है। हाँ हाँ, एपिथेलियम टिश्यू में ही आपका एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है, ठीक है, एपिथेलियम में ही आपका एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर है। अब देखो और चीज, सेलुलर जंक्शन की बात करते हैं, जो आपके सेल है ना एपिथेलियम के, ठीक है, एपिथेलियम के जो सेल्स हैं वो तीन तरीके से चिपके रहते हैं, बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है बच्चे इनका, बिल्कुल टाइट जंक्शन होता है, ये बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, इधर उधर भाग नहीं जाते आरबीसी की तरह। देखो आरबीसी में किसी तरह का जंक्शन नहीं है, तो ये आरबीसी यहाँ, ये आरबीसी यहाँ, ये आरबीसी यहाँ, ये आरबीसी यहाँ, तो ये दौड़ते भागते रहते हैं कि नहीं, आपके अंदर दौड़ते भागते रहते हैं, ब्लड में प्लाज्मा में ये दौड़ते भागते रहेंगे, इधर उधर मूव करते रहेंगे, लेकिन आपके ये जो सेल है एपिथीलियम सेल जो है वो क्या करते हैं, ये बिल्कुल एक जगह रहते हैं, ऐसा तो नहीं कि यहाँ का सेल उधर भाग गया, यहाँ का सेल नीचे भाग गया, ऐसा नहीं होता है ना, ये एक ही जगह स्टिक रहते हैं। क्यों, कैसे, क्या है जो इनको स्टिक करके रखता है? तो बच्चे दो तीन तरह के जंक्शन पाए जाते हैं, दैट इज टाइट जंक्शन। क्या है टाइट जंक्शन? बिल्कुल एकदम इनको क्या कर रहा है, कोई भी चीज लीक होने से बचाता है, ठीक है। टाइट जंक्शन क्या करता है बच्चे, सेल को सेल से जोड़ता तो है ही, साथ में लीक होने से बचाता है, कुछ भी चीज को लीक होने से बचाता है। उसके बाद है आपका एडहेशन जंक्शन, ठीक है, एडहेशन जंक्शन वो क्या है, देखो ये इन दोनों के, एडहेशन का मतलब क्या होता है, दो चीजों को जोड़ना, और उस ऐसा जोड़ जिससे कि आपस में लेन देन भी होता रहे। ये दोनों जुड़े हुए हैं, फाइबर्स से जुड़े हुए हैं, ठीक है, फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जिसको साइटोस्केलेटन बोलते हैं, और ये आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे, ये आपस में क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू थोड़ा कुछ लेन देन भी कर रहे हैं, ठीक है, इसके थ्रू थोड़ा कुछ लेन देन भी कर रहे हैं, ओके। और इसी तरह का आपका जो जंक्शन होता है दोनों, वो डेस्मोसोम भी होता है, ये और ज्यादा फाइन इससे बना हुआ होता है, ये सेल टू सेल को जोड़ने में हेल्प करता है। मतलब बहुत तरीके से आपने दो सेल को लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, दो सेल को आपने क्या करके रखा है बच्चे, जोड़ के रखा है अलग अलग तरीके से। क्यों जोड़ के रखा है, ऐसे कि भाई आप सिंपल सा कोई एक चीज लगा देंगे और दो सेल को जोड़ देंगे और उनके बीच कोई कनेक्शन नहीं रह जाएगा, तो एक सेल को दूसरे सेल के बारे में कैसे पता चलेगा कि इस सेल में कोई दिक्कत हुई है, पता नहीं चलेगा ना, ठीक है। दोनों जुड़े हों लेकिन ऐसे जुड़े हों कि आपस में कुछ लेन देन भी होता रहे, ठीक है। जैसे आपके दो रूम जुड़े हुए होते हैं, दो रूम के बीच में एक खिड़की लगा देते हो ना, लगाते हो, दो रूम के बीच में एक खिड़की लगा दिए, तो भाई एक रूम से दूसरे रूम है ना, इधर से अपने भाई को चिल्ला के धमकियां दे सकते हो, दूसरे रूम में पड़ रहा है तो, है ना। तो दो रूम जुड़े हुए होते हैं एक तरीके से, खिड़की के थ्रू जुड़े हो सकते हैं, फिर हाँ मान लो दोनों का एक कॉमन बाथरूम हो या फिर बालकनी हो, किसी तरीके से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो भाई दो सेल है वो जुड़े हुए होते हैं अलग अलग तरीके से। तो एक तरीका क्या है, टाइट जंक्शन है। टाइट जंक्शन में आपको वाटर लाइक फ्लूइड जैसा होता है, ठीक है, वॉटरी होता है। टाइट जंक्शन में जो जोड़ता है ना वो ग्लू टाइप का होता है, ओके, वो बिल्कुल कुछ भी चीज लीक होने से रोकता है। एडहेशन जंक्शन दोनों को जोड़ता है और चीजों को
क्या करने में हेल्प करता है बच्चे, लेन देन करने में, ठीक है। डेस्मोसोम भी सेम उसी तरह से फंक्शन करता है। अब है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन जो है बच्चे, यहाँ पे देखो बीच में क्या प्रेजेंट है, गैप है, बीच में क्या प्रेजेंट है, गैप है। तो इस तरह का जंक्शन ना खासकर आपको देखने को मिलता है न्यूरॉन्स के, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के जो एपिथीलियम है ना उसमें देखने को मिलेगा। मैं आपको पढ़ाऊंगी गैप जंक्शन, वहां पे कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं ना कि यहाँ पे आपका एक न्यूरॉन है, ठीक है, दूसरा न्यूरॉन है और इनके बीच में गैप जंक्शन होता है और यहां से केमिकल इधर जाता है, यहां से केमिकल इधर जाता है गैप के थ्रू। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख तो रही है। अच्छा जो हाँ साइनेप्स में, किसी किसी में साइनेप्स में एक गैप जंक्शन होता है बच्चे, जिस गैप जंक्शन के थ्रू आपका मटेरियल जो भी है, केमिकल जो रिलीज हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ, ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, एसिटाकोलाइन रिलीज हुआ, जो भी रिलीज हुआ वो गैप जंक्शन के थ्रू जाता है। इतनी बात क्लियर है? यस मैम। हाँ यस मैम। ओके अब आपका देखो ये तो हो गया सेल टू सेल हम कैसे चिपकाते हैं, सेल टू सेल हम कैसे चिपकाते हैं, सेल को सेल के बाहर, ये आपका सेल प्रेजेंट है और सेल के बाहर बच्चे कुछ लिक्विड भी होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, सेल के अंदर के लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल के बाहर जो लिक्विड प्रेजेंट है, पूरा मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेल के बाहर कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो बच्चे इससे भी ये जुड़ा हुआ होता है, इधर से भी जुड़ा हुआ होता है, नहीं तो क्या होगा आपका सेल, यूं है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में हिलता रहेगा ना, हिलता रहेगा बिल्कुल। ओके गुलाब जामुन की तरह, गुलाब जामुन जैसे चाशनी में ऐसे हल्के हल्के हिलते रहती है, वैसे हिलता रहेगा आपका सेल। ओके तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हमको एकदम बिल्कुल जोड़ कैसा चाहिए बच्चे, फेविकोल का जोड़ चाहिए, बिल्कुल पक्के वाला जोड़ चाहिए कि आपका ये हिले ना, आपका ये बिल्कुल टाइट रहे एक जगह पे, जो कवरिंग है वो बिल्कुल टाइटली पैक रहे, ये नहीं कि यहाँ यहाँ सेल हिल रहे हैं, घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, ठीक है। तो ये जुड़ता है किससे, हेमी डेस्मोसोम से जुड़ता है, ठीक है। आपको मेनली तीन तरह के जंक्शन पढ़ने हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया है, दैट इज टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन में आपको क्या पूछेगा, आपका इससे ये आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इस तरह का क्वेश्चन आता है, या फिर आएगा आपका मैच द फॉलोइंग। टाइट जंक्शन क्या करेगा बच्चे, सीपेज रोकेगा, ठीक है, सेल की चीजें सेल के अंदर ही रहें इसको देखेगा। एडहेरिंग जंक्शन क्या करेगा बच्चे, कनेक्ट करेगा एडजेसेंट सेल को ईच अदर, दो एडजेसेंट सेल है उनको बिल्कुल चिपका के रखेगा। गैप जंक्शन क्या करेगा, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो इंटरैक्ट करने में मदद करेगा कि भाई सेल और सेल के बीच में बातें होनी भी जरूरी है और सेल और सेल के बीच में चीजों का आदान प्रदान होना भी जरूरी है, ठीक है। कनेक्ट करता है एक साइटोप्लाज्म को दूसरे साइटोप्लाज्म से, अदरवाइज कोई भी मान लो एक सेल को अटैक कर देता है पैथोजन तो दूसरे सेल को पता नहीं चलेगा, फिर वो ऐसे करके हर सेल को आपके खा जाएगा, लेकिन चूंकि ये जुड़े हुए होते हैं तो पता चल जाता है, ठीक है। मैम गैप जंक्शन हेल्प करती है ना, यस, ठीक है, ओके इतनी बात क्लियर हो गई बच्चे। अब ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है, आपको ज्यादा डिटेल में जाना है इसमें कॉकरोच वगैरह में, इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में आपको कॉकरोच और फ्रॉग है इनको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू में आ जाए बच्चे। देखो ये दिख रहा है, मैम एक बार मैम थोड़ा ज़ूम कर दो, थोड़ा सा ये दिख रहा है ना, चलो अब दिख रहा है ना, ठीक है अब दिख रहा है। यस मैम, देखो कनेक्टिव टिश्यू, एक मिनट, हाँ कनेक्टिव टिश्यू
भाई अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग तरह के होते हैं, कौन कौन से देखो। लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर अच्छा मैं आपको सीधे टाइप्स बताने लगी, मुझे पहले ये बताना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू बच्चे मैंने आपको बताया इसका ओरिजिन क्या होता है, बताओ। मीसोडर्मल इसका ओरिजिन होता है। ये क्या करता है बच्चे, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है ना, पूरे बॉडी को एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से कनेक्ट करता है, कनेक्ट ऑर्गन ऑर्गन टू ऑर्गन, और क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को, ओके, एंड प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, ओके। कनेक्टिव टिश्यू जो एक छोटे बच्चे में प्रेजेंट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, जो कनेक्टिव टिश्यू बनता है, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू छोटे बच्चे में किससे बनता है, एक स्पेशल टाइप के सेल से बनता है जिसको बोलते हैं मीसेनकाइम सेल। कौन सा सेल, मीसेनकाइम सेल। ये मीसेनकाइम सेल बच्चे, मान लो ये मीसेनकाइम सेल है, ठीक है, ये मीसेनकाइम सेल है, कौन सा सेल है, मीसेनकाइम सेल है, एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट है। अब ये सेल क्या बोल रहा है, मुझे आजादी चाहिए, मैं कुछ नया करूंगा, ठीक है, मैं कुछ नया करूंगा। और ये मीसेनकाइम सेल बहुत अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करता है, ठीक है। ये कभी क्या बनाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ये कभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, ठीक है। जैसे एक बंदा है, वो कभी क्या कर रहा है, वो कभी क्या कर रहा है बच्चे, वो कभी पढ़ाई करके डॉक्टर बन रहा है, वो कभी पढ़ाई करके आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, वो कभी पढ़ाई करके बिजनेस की तैयारी, बिजनेस कर रहा है, समझ गए। तो मीसेनकाइम सेल प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो में, वही डिफरेंशिएट कर करके अलग अलग तरह के आपके टिश्यूज बनाता है, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू आपके अलग अलग तरीके के हो जाते हैं, कौन कौन से, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, आपने पढ़ रखा है इसको, नाइन्थ में पढ़ा है ना। एरियोलर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, एयर लाइक कहाँ प्रेजेंट होता है, जस्ट बीनीथ द स्किन, है ना, जस्ट बीनीथ द स्किन। एडिपोज टिश्यू, इसमें फैट होते हैं। फिर आपका आ गया डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ये इनको डेंस क्यों बोलते हैं, इनको लूज क्यों बोलते हैं, अभी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में बच्चे क्या होगा, फ्लूइड होगा, और फ्लूइड के साथ क्या होते हैं, सेल होते हैं, ठीक है, कुछ मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स के अंदर सेल पाए जाते हैं, और उनके साथ कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तब जाके कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ओके। अगर कनेक्टिव टिश्यू के एक एक सेल को देखा जाए, एक एक सेल को देखा जाए, पूरा निकाला जाए, पूरा कनेक्टिव टिश्यू देखा जाए, जैसे मान लो आपका ब्लड ही, ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड में आप देखो क्या है, प्लाज्मा है, प्लाज्मा में आरबीसी घूम रहा है, डब्ल्यूबीसी घूम रहा है, ये सब क्या है, प्लाज्मा इज फ्लूइड, और डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये सब सेल है। तो वैसे ही सारे कनेक्टिव टिश्यू में होता है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टाइप के होते हैं। स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू कौन है, स्केलेटल टिश्यू, जो कि जिसमें आपका कार्टिलेज और बोन आ जाता है ना, कार्टिलेज बोन जानते होंगे आप। फिर वैस्कुलर में आपका ब्लड और लिम्फ आ जाएगा, रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि ये होते क्या है, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे, ओके। देखो कॉम्पोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू में पाया क्या क्या जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती हैं। फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबर्स कैसे होते हैं, धागे जैसे, ठीक है, फाइबर्स पाए जाएंगे। कुछ फाइबर्स मोटे होंगे, कुछ फाइबर्स पतले होंगे, कुछ फाइबर्स मोटे होंगे और बंडल्स में पाए जाएंगे, और कुछ फाइबर्स पतले होंगे और इररेगुलर पाए जाएंगे, ठीक है। कुछ फाइबर स्किन को बाइंड करने का काम करते हैं, ठीक है, बाइंड करने का। कोलेजन फाइबर आप जानते हो क्या होता है,
कोलेजन फाइबर क्या होता है? कोलेजन आपने सुना होगा कि आजकल बहुत ज्यादा एड आते हैं, कोलेजन ड्रिंक है ना, एड आता आजकल। तो कोलेजन क्या होता है बच्चे, आपके स्किन को ना, स्किन को टाइटली मतलब जोड़ करके रखता है, ठीक है। जैसे आप छोटे बच्चों का स्किन खींचोगे तो एकदम टाइट रहता है ना, जैसे जैसे एज होती जाती है स्किन कैसे होती जाती है, यूं यूं लटकती जाती है। पहले स्किन बिल्कुल छोटे बच्चों का देखो तो एकदम ऐसे रहेगा, है ना, चब्बी रहता है ना, चब्बी रहता है। इसलिए नहीं, जो पतले बच्चे भी होते हैं उनका भी बहुत हद तक ये वाला उभरा हुआ रहता है, चब्बी रहता है। क्यों? क्योंकि कोलेजन है वहां पे, क्या है बच्चे, कोलेजन है। इसीलिए आजकल क्या, कोलेजन ड्रिंक दिया जाता है कि आप हमेशा ही क्या रहें, चब्बी रहें और आपकी जो स्किन है वो लटके ना, ठीक है। वो होता है कोलेजन फाइबर। रेटिकुलर फाइबर आपके लीवर्स वगैरह में पाया जाता है, अंदर में रेटिकुलर फाइबर। और इलास्टिक फाइबर क्या करता है, स्किन को इलास्टिक बनाता है, खींच लो जितने गाल खींचने है ना, इधर खींच लो उधर खींच लो, इलास्टिसिटी देता है स्किन को थोड़ा। और पेट भी आपका बढ़ जाता है, इलास्टिसिटी है तभी तो देखो पेट बढ़ता ही जाता है, फटता नहीं है, पेट बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ता ही जाता है, हर जगह से आप फैलते जाते हो, ठीक है, ठीक है। पढ़ता अभी कॉन्ड्रिन तक नहीं पहुंचे, पहले इतना ही पढ़ लो, कॉन्ड्रिन अभी आगे है, ठीक है। बहुत सारे जो सेल हैं हम उसमें पढ़ेंगे, कॉन्ड्रिन को भी पढ़ेंगे हम। एक बार रेटिकुलर फाइबर से एक और बार बता दीजिए, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर बच्चे, रेटिकुलर फाइबर आपका किडनी वगैरह, किडनी में, लीवर में, इस तरह के फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर फाइबर उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, ओके, रेटिकुलर फाइबर आपका बाकी इंटरनल जो ऑर्गन है ना उन सब में प्रेजेंट होता है। कोलेजन आपका स्किन के आसपास, ठीक है, स्किन के अंदर जो है कोलेजन प्रेजेंट रहता है और ये टाइटली बाइंड करता है आपके स्किन को उसके प्लेस पे, ठीक है। ये बाइंड करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, खासकर एरियोलार में आपको, एरियोलार जो टिश्यू है ना उसमें आपको क्या मिलेंगे, स्किन के जस्ट अंदर होता है ना, वहां पे कोलेजन फाइबर बहुत मिलेंगे। कोलेजन फाइबर की वजह से आपका स्किन क्या होता है, बिल्कुल टाइट रहता है जगह, ओके। फिर है मैम, जब वो ओल्ड एज होती जाती है तो कोलेजन फाइबर खत्म होता जाता है ना? हाँ, ओल्ड एज नहीं, 30 साल से ही, जैसे ही 30 पहुंचते हैं ना, हमारे अंदर से कोलेजन बिल्कुल क्या होता जाता है, कम होता जाता है, डिटेरिएट होता जाता है, और खासकर उनकी बॉडी से जो चाय बहुत पीते हैं। चाय बहुत पियोगे, मीठा बहुत खाओगे, चीनी क्या है, दुश्मन है कोलेजन का, ठीक है। तो चीनी, मिठाइयां बहुत खाओगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, मैं तो दोनों ही नहीं पसंद, ठीक है, जल्दी बूढ़े हो जाओगे, कोलेजन बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मैम चॉकलेट्स पे भी, हाँ मीठा है ना, तो मीठा आप स्टॉप करने के लिए कोई वो नहीं है। आप सुनते होगे ना कि जो फिल्म इंडस्ट्री हीरो हीरोइन होते हैं वो मीठा नहीं, नहीं नहीं, नो स्वीट है ना, नो स्वीट बिल्कुल, तो वो अवॉइड करते हैं, ओके। तो आपको स्वीट्स वगैरह फिर नहीं खाने होते हैं। मैंने तो गलत बात है, हाँ। तो 30 के एज से ही कोलेजन कम होने लगता है, और नेचुरल कोलेजन आपका मिलता है बोन ब्रॉथ में, सबसे ज्यादा एग में मिलता है। चलो अब सारा मतलब आज क्या स्किन के बारे में बातें चल रही हैं, आज मैं मतलब बैठी हूँ स्किन के बारे में बताने के लिए कि पिंपल्स कैसे हटाओ, स्किन कैसे जवान हो जाओ, कैसे जवान मतलब अपनी जवानी को मेंटेन रखो। मैम अभी तो आई थी, मैम जवानी मैम अभी तो हम बच्चे हैं, हाँ तो फिर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है आपने मीठा खाने को मना कर दिया था ना इसलिए। हाँ मीठा कम खाना चाहिए अगर स्किन को हेल्दी रखना है। फिर है बच्चे सेल्स हैं आपके, कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के इसमें सेल पाए जाते हैं। मैं इसमें टिक नहीं कर पा रही हूँ, इसमें टिक इनेबल बता रहा है इसलिए मैं साइड में लिख रही हूँ, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट होता है, फाइब्रोब्लास्ट, ब्लास्ट मतलब क्या, बनाने वाला, ठीक है। किस तरह के सेल है, फाइब्रोब्लास्ट है।
फाइबर बनाने वाले, और फिर मेसेनकाइमल सेल होते हैं, कुछ पिगमेंटेड सेल होते हैं, एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स क्या होते हैं बच्चे, ये जानो। एडिपोसाइट्स इसके अंदर ना आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे, डायग्राम इसका एनसीईआरटी में दिया है कनेक्टिव टिश्यू का, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप एक एडिपोसाइट्स देखोगे, इस तरह का सेल, इस तरह का सेल जिसका न्यूक्लियस साइड में कॉर्नर में पड़ा रहता है, न्यूक्लियस साइड में पड़ा रहता है, और ये एडिपोसाइट सेल है। एडिपोसाइट सेल अगर आपकी बॉडी में एक बार बन जाते हैं तो वो नहीं खत्म होते हैं, वो पिचक जाते हैं। जब आप डाइट करोगे ना, जैसे मान लो आपके आपका ये सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे एडिपोसाइट सेल प्रेजेंट है बहुत सारे। आपने खूब रगड़ के खाए हैं, बिल्कुल पिज्जा बर्गर और ऑयली समोसे, हाँ ये सब बहुत ज्यादा खाए हैं, कचौड़ियां बहुत ज्यादा खाई हैं, तो एडिपोसाइट सेल बन गए। एक बार आपने डाइटिंग की, ये पिचक गए, ये कुछ दिन बाद क्या हो गए बच्चे, कुछ दिन बाद क्या हो गए, यूं पिचक गए। लेकिन जब आपने डाइटिंग छोड़ी और फिर आपने फिर से बिल्कुल मम्मी पकौड़े बना दो, मम्मी पूड़ियां बना दो, है ना, बिल्कुल खा रहे हो रगड़ के, हाँ 15-16 रोटियां खा रहे हो, तो क्या होगा, क्या होगा बच्चे, ये फिर से फूल जाएंगे एडिपोसाइट सेल, एडिपोसाइट सेल फिर से फूल जाएंगे। तो जो बोलते हैं ना लोग, कंप्लेन करते हैं कि मैं तो मोटा हूं, मतलब क्या होता हूँ, डाइट करता हूँ, पतला होता हूँ, फिर से मोटा हो जाता हूँ, होते हैं, है ना, डाइट करता हूँ, पतला हो जाता हूँ, फिर से मोटा हो जाता हूँ, क्यों, क्योंकि एडिपोसाइट सेल नहीं मरते, ठीक है। तो मैडम आपका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि जो डाइट कर रहे हो उसको मेंटेन रखो जिंदगी भर, कम खाओ थोड़ा। मैम ये तो फिर इंसान के लिए बड़ी परेशानी है, ठीक है। हाँ अब बोलोगे कि मैम तो आज बिल्कुल हर चीज में रोक लगा रही हैं, चीनी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, है ना। हाँ खाओ, खूब खाओ, लेकिन उतना एक्सरसाइज कर लो तो फिर कुछ नहीं होता, है ना। पहलवानों को देखते हो, कभी उनका पेट नहीं निकलता, क्योंकि वो खाते सब कुछ है लेकिन साथ में एक्सरसाइज बहुत कर लेते हैं, ठीक है। फिर है बच्चे, मेरी मम्मी ने वेट लॉस किया, उनका तो नहीं हुआ, क्या उन्होंने डाइट छोड़ दी, मेरी मम्मा ने वेट लॉस किया, उन्होंने डाइट तो छोड़ दी बट उनका वेट गेन, हाँ डाइट छोड़ दी होंगी लेकिन अब उनकी आदत हो गई होगी उतना ही खाने की, ऐसा नहीं है कि वापस से वो एकदम भर भर के खा रही होंगी फिर भी नहीं, नहीं उनकी आदत हो गई होगी, अब पेट एडजस्ट हो गया होगा दो ही रोटी में, समझ गए। अगर वो कंटिन्यूस फिर बहुत समय तक, मान लो 5-6 महीने तक लगातार पिछला डाइट ही जो अगर खा रही होंगी, मतलब खाएंगी, तो फिर से हो जाएगा। 9 महीने से ज्यादा हो गए, हाँ तो फिर से पिछला डाइट ही चल रहा है, बिल्कुल बाहर का सब कुछ ऑयली ऑयली। नो मैम कई बार खा लेती है, हाँ कई बार से चलता है, कभी कभी से चलता है, लेकिन अगर पिछला डाइट अगर अगर आप जिस समय बहुत ज्यादा हेल्दी होते जा रहे थे और पिछला डाइट ही आप फिर से फॉलो करते हैं, अली खान के जैसे, ठीक है। मतलब तुम लोगों को एक टॉपिक देने का है, नहीं ऐसा टॉपिक कि मैम मजा आ जाए फिर तो। हाँ फिर देखो माइग्रेंट सेल, माइग्रेंट सेल मतलब बच्चे जो चलते हैं, कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल चलते हैं ना, माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो मैक्रोफेज सेल, मैक्रोफेज सेल क्या करेगा, आपकी बॉडी में कुछ भी आएगा उसको खाने का काम करता है, तो दौड़ दौड़ के खाता है ये। मैक्रो मतलब बड़ा है थोड़ा, और फेज मतलब खाने वाला, ठीक है, फेज मतलब खाने वाला, तो ये जा जा करके सबको खाता है, कुछ भी बैक्टीरिया आया, कुछ भी गलत चीज आया, या फिर मान लो बैक्टीरिया से आपका कोई सेल मर गया, अब वो कूड़ा कचरा भी नहीं पड़ा रहना चाहिए ना सेल में, उसको भी खाएगा, ठीक है। फिर है आपका मास्ट सेल प्रेजेंट है बच्चे, मास्ट सेल दो तरह के केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, ये एक तरह का WBC है, WBC है ये, आप पढ़ेंगे और डिटेल में सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, ये हिस्टामिन रिलीज करता है और हिपेरिन रिलीज करता है, ठीक है, और इसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से क्या होता है कि आपका ब्लड अंदर अंदर क्लॉट नहीं होता। देखो बाहर जैसे ही चोट लगती है तो आपका ब्लड क्या हो जाता है, जैसे ही कट लगता है तो एयर के कांटेक्ट में आने से आपका ब्लड कैसे क्लॉट हो जाता है, हो जाता है ना विद इन 10 सेकेंड। यस मैम,
लेकिन अंदर आपका ब्लड क्यों नहीं क्लॉट हो रहा, अंदर भी तो वही चीज प्रेजेंट है, क्यों नहीं क्लॉट हो रहा, क्योंकि हिपेरिन प्रेजेंट है, हिपेरिन अंदर क्लॉट होने से बचाता है। लेकिन जिनकी बॉडी में हिपेरिन कम हो जाता है उनका बॉडी अंदर से क्लॉट होने लगता है और उनको थक्के देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके नाउ फिर है बच्चे हिस्टामिन। ये हिस्टामिन रिलीज करता है। हिस्टामिन क्या करता है कि जब भी मान लो आपको आपको मच्छर ने काटा, वहां देखते हो सूज जाता है, yes, है ना, इचिंग करवाता है, इचिंग सेंसेशन देता। अगर मान लो मच्छर ने काटा और आपको स्वेलिंग नहीं आई, या चींटी ने काटा आपको स्वेलिंग नहीं आई, इन्फ्लामेशन नहीं हुआ, या वहां रेडनेस नहीं हुई, या आपको इचिंग नहीं हुई, तो काटते रहे चींटियां, कोई फर्क नहीं, काट लो पूरे पूरे शरीर में काट लो, है ना। लेकिन ये इन्फ्लामेशन होता है तभी तो आपको पता चलता है कि यहाँ काटा है, तो आप दवाई ववाई करोगे। देखो ये इन्फ्लामेशन अच्छे होते हैं बच्चे, इन्फ्लामेशन अच्छे होते हैं, रेडनेस आना अच्छा है, मतलब दिस इज द साइन कि समथिंग एंटर योर बॉडी, ठीक है, समथिंग फॉरेन मटेरियल एंटर योर बॉडी, चाहे वो हाँ चाहे वो किसी कीड़े ने काटा हो, चाहे बी ने काटा हो, चाहे एंट ने काटा हो, चाहे मच्छर ने काटा हो, ठीक है, या फिर किसी चीज की एलर्जी हो जाती है आपको, तो आपको पूरा रेडनेस होता है। अगर ये नहीं होगा तो ये अंदर ही अंदर आपको क्या करेगा, बिल्कुल पता नहीं चलता। मान लो हिस्टामिन नहीं रिलीज होगा तो क्या होगा बच्चे, आपको पता नहीं चलेगा, आपका सेल पूरा अंदर अंदर डेड हो जाएगा। मैम तो फिर वो जो मच्छर काटने से डेंगू और मलेरिया हो जाता है, वो अच्छा है हमारी बॉडी के लिए? अरे मैं क्या बोल रही हूँ, क्या समझ रहे हो, मैं क्या बोल रही हूँ, काटने से जो इन्फ्लामेशन होता है, जो सिग्नल आपको मिलता है, वो अच्छा है। इन्फ्लामेशन मतलब रेड हो गया, वो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा स्वेलिंग हो गया तो आपको पता चला ना यहाँ पे किसी ने काटा है, तो आप जल्दी वहां पे क्या लगाओगे, इन्फ्लामेशन बी को स्ट्रॉन्ग किस वजह से होता है? ठीक है, इन्फ्लामेशन मतलब क्या समझ रहे हो, कि कहीं रेडनेस आ गई, कहीं रेड आ गया, ठीक है, रेडनेस आ गई, कहीं स्वेलिंग आ गया, कहीं इचिंग हो रही है बहुत ज्यादा, कहीं बर्निंग सेंसेशन हो रहा है ना, तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे कुछ काटा है। अगर मान लो नहीं होता बच्चे, ना खुजली होती, ना कुछ होता, तो क्या होता, पूरा सेल में पूरी जगह मच्छर आपको काट लिए होते, पूरी जगह आपको चींटियां काट ली होती, आपको पता नहीं चलता, और सारा चींटियां सारा फॉर्मिक एसिड आपके शरीर में डाल देती, है ना। मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे बी काटती है तो उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, हाँ। लेकिन जब वो काटती है, चींटी काटती है, लेकिन उसका इतना ज्यादा नहीं, हाँ, तो वो अलग अलग तरह के एसिड रिलीज करते हैं बच्चे, अलग अलग तरह के एसिड रिलीज करते हैं, अलग अलग अमाउंट में एसिड रिलीज करते हैं, ठीक है, इसी वजह से, ओके। हाँ अब देखो हिस्टामिन का एक और काम होता है एलर्जी क्रिएट करना, ठीक है, एलर्जी रिएक्शन देना। जैसे जैसे मान लो कि अभी आप लोग तो दिल्ली में रहते हो, आप लोग कॉमन बात है आप लोगों में तो एलर्जी होना, है ना, वहाँ के लोगों को सबको एलर्जी रहती ही है कि जैसे बाहर निकले तो बस छींकना शुरू हो गया, हाँ, फिर डॉक्टर आपको क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन देते हैं ना, सिट्रिजिन खाने की आदत होगी आप लोगों को, मोंटेरेल खाने की आदत होगी, तो क्या होता है कि जैसे ही आप एलर्जन किसी चीज से आपको एलर्जी है तो आपका म्यूकस भरने लगता है, यहाँ पे आंख में पानी, नाक में पूरा म्यूकस भरने लगता है, मतलब हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज होता है, ठीक है, पूरा नाक पूरा भर जाता है, पूरा ये आंख में पानी आ जाता है, पूरा गला भरने लगता है, ठीक है, क्यों, हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, हिस्टामिन की वजह से म्यूकस भर रहा है, और तभी फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एंटी हिस्टामिन देता है तो सब कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है, इज दिस क्लियर। अभी हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी, बिल्कुल मतलब ना ये समझ लियो कि चलो डॉक्टर बैठ गई है, इससे पूछ लो सब कुछ क्या होता है कैसे होता है। मैम एलर्जी भी इसी से होती है? हाँ, बहुत सारी चीजों से एलर्जी होती है, सिर्फ पॉलन से नहीं होती है। आगे बढ़ने दो भाई, कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ पाएंगे या नहीं, है ना, मतलब एक टॉपिक उठाया नहीं कि बच्चे पूरा मतलब मुझे डॉक्टर समझ के पूरा सब कुछ पूछने लगते हैं, ये बता दो ये बता दो। फिर है बच्चे लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स अलग अलग तरह के होते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं वो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये भी डब्ल्यूबीसी का टाइप है, ये भी क्या है, डब्ल्यूबीसी का टाइप है बच्चे। प्लाज्मा सेल आप जानते हो प्लाज्मा को, है ना, जिसमें आपके आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब मूव करते हैं। मोनोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स भी जो
बड़े सेल्स होते हैं और ये क्या करते हैं, ये भी एंगल्फ करने का काम करते हैं। फिर आपका क्या है, एसिनोफिल्स, आपने सुना होगा इसनोफीलिया बढ़ गया, एसिनोफिल्स, ये सारे बच्चे ये एसिनोफिल्स वगैरह क्या करते हैं कि कोई भी पैरासाइट आया, इन सब से रोकते हैं। तो ये एक तरह के, जितना हमने माइग्रेंट सेल पढ़ा ना, इन सब का काम क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी चीज आया उसको क्या करना है, पकड़ के उसको बिल्कुल उसकी कुटाई पिसाई करनी है, आपको बताना है कि भाई अंदर कुछ आया है, तैयार हो जाओ, है ना, ऑइंटमेंट वगैरह बाहर से लगा लो, ठीक है, उस जगह से दूर हो जाओ, आपको कुछ काट रहा है, मच्छर काट रहा है, भाग जाओ वहां से, ठीक है। और क्या बता, और आपको अंदर से रेडी करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है एंड ओवरऑल आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इज दिस क्लियर? मैम एक फंक्शन बता दो इसका, हिपेरिन का। हिपेरिन बच्चे बॉडी को अंदर अंदर क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है, बॉडी को, ब्लड को, ब्लड को अंदर अंदर क्लॉट होने से बचाता है, ठीक है। ब्लड का क्या फंक्शन होता है बच्चे, ब्लड क्लॉट करता है ना, प्लेटलेट प्रेजेंट होते हैं, तो ब्लड अंदर क्यों नहीं क्लॉट करता, ड्यू टू हिपेरिन। हिपेरिन इज एंटी एंटीकोएगुलेंट, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट। हाँ मैम, जब हमारी इनर आर्टरीज डैमेज हो जाती हैं तो भी हेपरिन की वजह से क्लॉट नहीं होता, आर्टरी रप्चर हो जाती है, जब आर्टरी अंदर रप्चर होगी तो ब्लड अंदर फ्लो होना शुरू कर जाएगा भाई, है ना, और हिपेरिन की वजह से ही क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। अंदर जब भी क्लॉट नहीं हो रहा है तो हिपेरिन की वजह से हो रहा है, हिपेरिन कम हो जाएगा तो बॉडी में क्लॉट होना शुरू हो जाता है। मैम क्लॉट क्या होता है? थक्के, ब्लड के थक्के, ठीक है। आप लोग इतने क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं कि कुछ बच्चे तो भाई भाग जा रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा है कि भाई कनेक्टिव टिश्यू तो पढ़ नहीं रहे, हम दुनिया भर की और चीजें पढ़ रहे हैं। मैम जब कार्डियक अरेस्ट होता है, मतलब हार्ट अटैक, तो मैम उसमें भी तो क्लॉटिंग होती है। हाँ, सब पूछ लो अभी, कार्डियक अरेस्ट, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किन वगैरह सब पूछ लो। हाँ, क्लॉट होते हैं कार्डियक अरेस्ट में, क्लॉट हो जाते हैं, ये हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो जाता है। मैम हिपेरिन क्या होता है? देखो, हिपेरिन एक केमिकल टाइप का है जो रिलीज करता है आपका मास्क सेल। मास्क सेल के अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ग्रेन्यूल्स फॉर्म में होते हैं, वो रिलीज होते हैं, ठीक। ओके, ये सब आप पढ़ोगे बच्चे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हो, और यहाँ आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है इनका, आपको ये वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में क्या पढ़ना है, कॉकरोच, फ्रॉग, ये सब पढ़ना है, ठीक है। ये सब कुछ आप दोबारा पढ़ोगे कहाँ, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में एक एक चीज बहुत डिटेल में फिर से पढ़ना है आपको। मैम ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं? ल्यूकोसाइट्स व्हाइट ब्लड सेल, ल्यूको का मतलब व्हाइट, ठीक है, साइट्स का मतलब सेल, तो व्हाइट ब्लड सेल को हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ओके। चलो ये हमने पढ़ लिया, वही जो पिछली बातें हैं वही लिखी हुई हैं कि किस किस से मिलके बना होता है। तो कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलके बना होता है? सेल से, फाइबर से, ठीक है। देखो सेल है, सेल और क्या है, फाइबर है, और क्या है बच्चे, ये सेल और फाइबर किसी में तो मूव करेंगे ना, किसी में मूव करेंगे, किसी में तो रहेंगे, उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे, मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, क्या बोल रहे हैं, मैट्रिक्स। तो आपका कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक, कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक मैगी, कनेक्टिव टिश्यू इज लाइक मैगी, सूपी मैगी, ठीक है। कैसे, जो पानी पानी जैसा होता है ना, वो क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, वो क्या है, ग्राउंड सब्सटेंस, उसमें आपका जो मैगी है थ्रेड लाइक इज फाइबर, ठीक है। और इस फाइब और इस मैगी में आपने क्या डाला बच्चे, कुछ मटर डाले, कुछ गाजर डाला, है ना, सब कुछ डालोगे ना इसमें, सब्जियां डालोगे, कैरेट डाला, कुछ कुछ डाला, तो ये सब क्या है बच्चे, सेल है, ऐसे ही प्रेजेंट होता है। नहीं पढ़ाने दिया आप लोगों ने कनेक्टिव टिश्यू आज,
ओके चलो ये डायग्राम आप देखो, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड मेनी टाइम्स इट केम इन नीट, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको इसका लेबलिंग आ सकता है, ठीक है, लेबलिंग आ सकता है या फिर लेबलिंग के साथ उसके फंक्शन दिए होंगे और सही लेबलिंग पता करना होगा, सही ऑप्शन कि मतलब फंक्शन और लेबलिंग कौन सा सही है. ओके तो देखो आपको यहाँ पे, यहाँ पे एक क्या दिख रहा है बच्चे, इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे आड़ा तिरछा बिल्कुल. दिस इज द मैक्रोफेज. मैक्रोफेज, मैक्रोफेज के बारे में मैंने क्या बताया है कि मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब खाने वाला, ठीक है, मैक्रो मतलब बड़ा, फेज मतलब खाने वाला. तो ये क्या करेगा, जो भी आपके टिश्यू में कोई भी चीज आएगी उसको खा लेगा, गंदगी को, ठीक है, उन सबको क्या करेगा, खाएगा फॉरेन पार्टिकल्स को. और ये क्या है बच्चे, आपका मास्ट सेल है. मास्ट सेल में देखना छोटे छोटे बूंदी बूंदी से प्रेजेंट होंगे और इसी मास्ट सेल से क्या रिलीज होता है बच्चे, क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन और हिपेरिन. क्या रिलीज होता है, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, ठीक है. फिर आप देखो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट है, इस तरह से फाइबर को अटैच करके रखे ना ये, इस तरह से देखो फाइब्रोब्लास्ट, ओके, फाइब्रोब्लास्ट फाइबर को ऐसे अटैच करके रखे. और यहाँ देखो कोलेजन फाइबर्स हैं, बहुत सारे कोलेजन फाइबर्स बच्चे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं. कोलेजन फाइबर्स कहाँ, किस में प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में, ठीक है. तो आपका ये स्किन है, ऊपर का स्किन, उसके नीचे क्या है बच्चे, एरियोलर टिश्यू है और इस एरियोलर टिश्यू में बहुत सारा कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन फाइबर्स है, इसलिए आपका स्किन क्या है, टाइट है. ये कम होगा तो बिल्कुल लटक जाएगा, ठीक. ओके तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करूंगी. आज तो बिल्कुल आप लोग ज्ञान से भर गए हैं, ठीक है. बच्चे बोल रहे हैं मैम, हाँ हो गया नहीं.